जय हिंद। क्लास सिक्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और 4-6 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1-6 कर चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड 34 माइनस ब्रैकेट में -72 एंड ब्रैकेट में -72 -34। इसको फाइंड करना है और हमें ये बताना है कि आर दे इक्वल, क्या ये इक्वल हैं या नहीं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या ये इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 34 माइनस -72, इसको अलग सॉल्व करते हैं एंड -72 -34 इसको अलग सॉल्व करते हैं। दोनों को अलग अलग सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका 34, माइनस अंदर जाएगा तो आपको पता ही है माइनस अंदर जाते ही क्या करेगा, साइंस को चेंज कर देगा। तो यानी अगर माइनस है तो उसको कर देगा प्लस, ध्यान रहना खेला हो जाएगा। तो खेला होबे का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये हो गया 72। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 4 + 2 = 6, 7 और 3 = 10, 106 ये हो गया। अब इधर वाले को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये है -72 और ये -34, तो -72 और -34 है। ठीक, -72 और -34 है और आपको पता है कि ये माइनस में अगर दो नंबर है तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं माइनस माइनस प्लस। हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्लस, करते हैं प्लस, माइनस माइनस करते हैं प्लस। ठीक है भाई, तो इसको इरेज किया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस करते हैं तो 4 और 2 = 6 और 7 और 3 = 10, 106। लेकिन 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 यहाँ पे साइन किसका लगेगा, यहाँ पे तो दोनों प्लस में था तो प्लस में आ गया, लेकिन यहाँ पे साइन किसका लगेगा, तो बड़ा कौन सा है 72 के 34, कौन सा बिगर है, तो 72 बिगर है, इसके आगे माइनस का साइन है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा -106। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे तो आया है आपके पास 106 और यहाँ पे आया आपके पास -106। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आर दे इक्वल, मतलब क्या ये इक्वल है, इनको सॉल्व करने पे 106 आया, इनको सॉल्व करने -106 आया, तो क्या ये इक्वल है कि नहीं, बस ये बताना आपको क्या इक्वल है। तो आपका आंसर हो जाएगा नो, दे आर नॉट इक्वल। क्या आंसर हो जाएगा, नो, या लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग वी हैव, कंपेयर करने पे वी हैव हमें क्या मिलेगा कि दे आर नॉट इक्वल। क्या ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये प्लस में है और वो माइनस में है, इसलिए इक्वल नहीं है। क्लियर है, बहुत सीधा सा सवाल था और इसका सिंपल सा सोल्यूशन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -13, दो इंटीजर का सम अगर -13 है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 170 फाइंड द अदर। बहुत सिंपल है, देखो इसको इरेज किया जाए, ये तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और कह रहा है कि देखो होता क्या है कि दो नंबर का सम दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि दो नंबर को प्लस करने पे एक रिजल्ट मिला है। ये तो सबको पता है कि दो नंबर को प्लस करेंगे तो कोई ना कोई आंसर आएगा, ये तो क्लियर है। अब इसमें देखो क्या बोला है, इसमें सीधे अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके करें, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज 13, दो इंटीजर को प्लस करने पे कितना आ रहा है, दो इंटीजर को प्लस करने पे आ रहा है -13, कितना आ रहा है -13, दो इंटीजर्स को प्लस करने पे आ रहा है -13 और उसमें से एक जो है वो 170 है, यानी इन दोनों में से एक अगर 170 है तो दूसरा बताइए क्या होगा, तो दूसरा बताइए क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, जैसा क्वेश्चन बोला वैसा हमने लिख दिया कि दो इंटीजर को प्लस करने पे 13 आ रहा है, -13 आ रहा है और दोनों में से एक इंटीजर जो है वो 170 है, तो दूसरा वाला बताइए क्या होगा, दूसरा वाला बताइए क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं, देखा देखा जाएगा, तो ये है आपका 170 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको बॉक्स ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये है आपका -13, ये तो क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू, इस बॉक्स में क्या आएगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो अब यहाँ देखिए जो 170 है ये क्या है, 170 प्लस में है, अगर हम इसको बॉर्डर के उस पार भेज देते हैं, उसको क्या करते हैं, बॉर्डर के उस पार भेज देते हैं, तो जैसे ही हम बॉर्डर के उस पार उसको भेजेंगे तो ये क्या हो जाता है,
साइन इसका क्या हो जाएगा, जब हम बॉर्डर क्रॉस कराते हैं यानी कि उस तरफ भेजते हैं इक्वल टू के, तो साइन क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब देखिए, अगर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्लियर है बात। अब देखिए, उसको तो इधर भेजना है, अब क्या इधर बचेगा, तो इधर आपके पास बचेगा ये बॉक्स, ठीक है, यहाँ आपके पास है माइनस 13, इतना तो लिख लेंगे क्योंकि हमें इसको ट्रांसफर करना है सिर्फ, तो बाकी जो है वो तो राइट हो गया। अब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये पीछे ना बैठेगा, चलाएगा गाड़ी चलाएगा तो नहीं, वो पीछे ही बैठेगा क्योंकि वो बाद में आ रहा है, तो इसलिए वो पीछे चला जाएगा। तो ये है 170 प्लस में, और उधर जाएगा तो ये जाएगा माइनस 170, क्योंकि यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -170, क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो चलिए प्लस किया जाए, 3 और 0 हो गया आपके पास 3, 7 प्लस 1 हो गया 8 और 1 183। अब किस में, माइनस में, क्योंकि 170 बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है, तो ये माइनस हो गया, तो यानी कि जो बॉक्स का वैल्यू आया वो कितना आ गया, -183। और आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था फाइंड द अदर नंबर, तो लास्ट में लिखेंगे हेंस द अदर नंबर इज -183 जो है, ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, कोई चेंज नहीं है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है जैसा अभी हमने किया। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज 65, कह रहा है कि दो इंटीजर का सम कितना है, 65 है। क्या कह रहा है, दो इंटीजर का सम कितना है, 65 है, जैसा कि दो इंटीजर सम यहां पे -13 था। अब कह रहा है इफ वन ऑफ द इंटीजर इज, कह रहा है कि वन ऑफ द इंटीजर मतलब दो में से एक दिया है, -47 दिया है, और आपको फाइंड करना है अदर, यानी कि जैसा भी हमने इसमें किया है वैसे इसमें आपको क्या फाइंड करना है, अदर फाइंड करना है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं क्या है 10, ट्रू और फॉल्स है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, कह रहा है कि द सम ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर को अगर हम प्लस करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर आएगा। तो अभी हमने किया है, दो इंटीजर को प्लस करने पे आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, दो इंटीजर को प्लस करने पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, जैसा कि प्लस करने पे हमें इंटीजर मिलेगा तो माइनस करने पे भी हमें क्या ही मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। प्लस करने पे अगर इंटीजर मिल रहा है तो माइनस करने पे क्या मिलेगा, माइनस करने पे भी हमें इंटीजर ही मिलेगा, बात समझ में आ गया, क्लियर एकदम, ठीक। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर, थर्ड नंबर तो भाई सॉल्व करना पड़ेगा, देखा जाए इसको इरेज किया जाए। थर्ड नंबर है आपके पास यहां पे -14, कह रहा है कि ग्रेटर है किससे, -8 और -7 से, तो देखा जाए भाई ये क्या ऐसा है सही में। तो ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं तो -8 ये माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, +7 हो गया, अब ये हो गया -14, और इधर करेंगे तो क्या आएगा, 8 में से 7 जाएगा आएगा -1, तो इसका मतलब -14 जो है वो बड़ा है क्या -1 से, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये मैंने पहले ही क्लास में बताया था ये चीज़, -14 बिगर है -1 से, यस और नो ये बताइए, -14 जो है वो क्या है, -1 से क्या है, छोटा है, -1 से क्या है, स्मॉलर है, और ये मैंने पहले ही बताया था कि माइनस में जितना अधिक आप दूर तक जाएंगे या माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती है, और माइनस में जितना कम होता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है। अब इसको समझने के लिए एक चीज़ समझो, जैसे तुम गए दुकान पे, सामान लिया आपने, 10 रुपये का सामान ले लिया, क्या उधार पे, आपने पैसा नहीं दिया, आपने क्या लिया उसको, उधार पे ले लिया, तो आपके पास -10 उधार मतलब माइनस, यानी आपको तो देना है, तो 10 रुपये का आपने सामान लिया उधार पे, ठीक। एक और आदमी है, उसने क्या किया, उसने 5 रुपये का सामान लिया उधार पे, उसने क्या किया, 5 रुपये का सामान उधार पे लिया। अब यहां ध्यान से समझो, एक आदमी है ठीक, ये 5 रुपये का उधार सामान लिया है, और एक आदमी है इसने 10 रुपये का उधार सामान लिया है, देना किसको अधिक होगा,
अधिक देना होगा ए वाले, क्योंकि इसको ये ज़्यादा किसमें है, माइनस में है, ज़्यादा माइनस में, अधिक देना होगा इसको, और ये इसके पास ₹5 का केवल बकाया है, तो ये तुरंत दे देगा। तो जैसे ही ये तुरंत दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि कर्ज से मुक्त हो जाएगा, ख़त्म। तब दुकानदार इसको नहीं टोकेगा, लेकिन इसको बार बार टोकेगा। अगर ये पूरा इकट्ठा दे दिया तो ठीक है, नहीं तो अगर दो पार्ट में दिया तो आधा देने के बाद आधा बचा रहेगा तो भी ये क्या है, माइनस में रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितना जो अधिक पास में रहता है जीरो के, जीरो के अधिक पास में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है, बड़ी होती है। क्योंकि एक बार जब जैसे ही आप जीरो क्रॉस करेंगे आप क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में बढ़ते जाएंगे, अब आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, अब प्लस में चले जाएंगे। लेकिन जितना आप पीछे रहेंगे, जितना ही आप जीरो के पीछे रहेंगे, आप उतने क्या हैं, छोटे हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा, आपका वैल्यू उतना छोटा हो जाएगा, आपकी वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो इसलिए याद रखिएगा, जो सबसे अधिक जीरो के पास है माइनस में वो ग्रेटर होता है, और जो पीछे होता है एकदम वो क्या होता है, वो स्मॉलर होता है। तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि ये क्या है, ये आपका क्या है, फॉल्स है। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस वन जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर में क्या बता रहा है। फोर्थ नंबर है -5 -2 ग्रेटर है -8 से। तो चलिए देखा जाए, -5 और -2 कितना हो जाएगा, -5 + 5 + 2 = 7, -7 ग्रेटर है -8 से। तो ये तो बिल्कुल सही है भाई, क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि माइनस में जितना कम होगा उतना ही बड़ा होगा, तो -7 और -8 में -7 क्या है, कम है ना, वो ज़्यादा जीरो के करीब है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि -7 क्या है, बिगर है, बड़ा है, किससे, -8 से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। 10 का फिफ्थ जो है -7 और है -3 इक्वल है -3 -7 के। अच्छा, ये है, अभी शायद इस तरीके का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो ये तो आप आराम से बता देंगे कि ये क्या है, फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -10। क्लियर, 7 और 3 = 10 हो गया, और माइनस का साइन लग गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -3, माइनस अंदर जाएगा तो +7 कर देगा, और यहाँ पे -10 और -3 और +7। तो देखो, प्लस और माइनस या माइनस और प्लस करते हैं माइनस, 7 में से 3 जाएगा 4, साइन किसका लगेगा, प्लस का, तो ये हो गया +4। तो क्या देखो, दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है, तो आप कहेंगे नहीं सर, दोनों इक्वल नहीं है। तो जब दोनों इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब समझ में आ गया। चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या कह रहा है, द पॉइंट ए, अच्छा फिगर दिया हुआ है तो फिगर बना लेते हैं, क्लियर हो जाएगा इससे। ये है, ठीक है, और ये है आपका पॉइंट ए, यहां पे और ये है आपका पॉइंट बी, ठीक, और ये है सी लेवल, ठीक है भाई। तो बता रहा है कि द पॉइंट ए इज ऑन अ माउंटेन विच इज 5700, यानी कि अगर ये पॉइंट ए है और इसका बता रहा है कि जो लेंथ है 5700 meters, ठीक है, अबव द सी लेवल, सी लेवल से इतना ऊपर है। अब पॉइंट बी जो है सी लेवल से डाउन है, नीचे की तरफ, कितना डाउन है, तो ये है 39600 meters डाउन है। पूछ रहा है फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, पूछ रहा है वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा, यहां से यहां तक टोटल कितना होगा, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक टोटल कितना है। तो ये तो सिंपल है ना, ये तो समझ में एकदम बहुत सिंपल है। क्या करना है, यहां से देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 5700 meters, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, और यहीं से बी तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 39600 meters। अब आपसे पूछ रहा है टोटल, पूरा पूछ रहा है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर 5700 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 39600 है, और आपसे पूरा यहां से यहां तक पूछ रहा है, तो सिंपल है, आराम से कर लेंगे ना।
तो ये आप खुद करेंगे और करने के बाद आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा किसी को तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से बता देंगे। वैसे नहीं आने का कोई बात ही नहीं है, तो उससे बहुत सिंपल है, इतना वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल पूछ रहा है, आराम से कर लोगे, ठीक है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, 11 हो गया है, लास्ट क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज का, देखा जाए। ऑन अ डे इन श्रीनगर द टेम्परेचर एट 6 PM वॉज 1°C, कह रहा है एक दिन श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर की बात कर रहा है, तो 6 PM 6 बजे शाम को बता रहा है कि वहां जो टेम्परेचर है वो कितना पहुंच गया, 1°C, 1°C पहुंच गया। बट एट मिड नाइट, यानी आधी रात में, उसी दिन आधी रात में इट ड्रॉप्ड टू -4°C, वो कितना नीचे और चला गया, -4 डिग्री और कम हो गया, -4°C और कम हो गया। By how many degree Celsius did the temperature fall? तो कितना temperature total down हुआ, कितना temperature total down हुआ, तो देखो 1°C था, कितना 1°C था, clear? अब 1°C से कितना नीचे गया है, नीचे जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, देखो नीचे जा रहा है तो इसका मतलब क्या करना है, माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है, और कितना माइनस करना है, -4°C को माइनस करना है, क्योंकि देखो ध्यान से समझो, 1 डिग्री था प्लस में, ठीक है, 1 डिग्री था प्लस में। अरे तुमको देखो दम बेसिक से बताते हैं, मतलब बेसिक क्या, एकदम बच्चों की तरह, ये देखो ये है 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, -1, -2, -3, -4, -5, नंबर लाइन पे समझो, ऐसे ऐसे भी समझ सकते हो। देखो यहाँ पे है 1°C अभी है, और कितना पहुँच गया, पहुँच गया -4, कितना पहुँच गया, पहुंच गया -4, तो कितना डाउन हुआ ये गिनना है, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, कितना टेम्परेचर डाउन हुआ, कितना टेम्परेचर गिरा ये पूछ रहा है। तो देखो 1°C था, 1°C था, और अब है -4°C, तो कितना टेम्परेचर डाउन हुआ ये पता लगाना है। तो 1°C था, कितना गिरा, तो गिर रहा है तो मतलब डाउन हो रहा है, तो मतलब क्या करेंगे, माइनस, और कितना, -4, तब पता चलेगा कितना टेम्परेचर डाउन हुआ। तो अब यहाँ तुम देखोगे तो यहाँ हो जाएगा 1°C, माइनस माइनस हो जाएगा +4°C, तो कितना गिरा, ये गिरा आपका 5°C, टेम्परेचर गिर गया, डाउन हो गया, तभी तो माइनस में गया है, डाउन हो गया तभी तो माइनस में गया है, समझ रहे हो ना, 1 डिग्री था और कितना गिर के आ गया -4, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5°C टेम्परेचर डाउन हुआ है, तब जाके आपका कितना आ गया है, -4°C आ गया है। ये बात समझ में आया ना, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे क्या, टेम्परेचर एट 6 PM लिख लेंगे, ऑन अ डे, ऑन अ डे इन श्रीनगर, श्रीनगर की बात हो रही है, श्रीनगर द टेम्परेचर एट 6 PM कितना है, 1°C, टेम्परेचर एट मिडनाइट, टेम्परेचर एट मिडनाइट कितना है, -4°C। अब कह रहा है कि हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस डिज द टेम्परेचर फॉल, सो डिग्री सेल्सियस SIUS, सो डिग्री सेल्सियस डिड द टेम्परेचर फॉल इक्वल टू, क्या करेंगे वही चीज, 1°C था, कितना गिर गया, -4°C गिर गया, ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, -1°C माइनस माइनस ये कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो आएगा आपका आएगा आपका 5°C, तो कितना डाउन हो गया, 5°C डाउन हो गया। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 4C इंटीजर्स का, क्लियर है, 4C रहा इंटीजर्स का चैप्टर नंबर। अब फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4D पढ़ेंगे, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई समस्या होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कोई दिक्कत होगा या कोई परेशानी हुआ होगा किसी को सॉल्व करने में, तो आप
सीधे या तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या तो डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद।